अब आता है नेक्स्ट हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ, साइज और क्वांटिटी और ऑफ अ सब्सटेंस। व्हेन वी टॉक ऑफ मेजरमेंट वी हैव टू थिंक ऑफ टू थिंग्स। अब मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट वो प्रोसेस होती है जिससे हम किसी भी चीज़ की लेंथ, उसका साइज या उसकी क्वांटिटी पता कर सकते हैं। और हमें जब भी मेजरमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम उसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं वो, और दूसरा क्या आता है हाउ टू रिप्रेजेंट द मेजरमेंट, और हमें उस मेजरमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है या हमें उसे कैसे बेसिकली उससे मेजर करना है। अब ये भी नहीं है कि हम उसे गलत तरीके से मेजर करने लग जाए, हमें तरीका भी सही आना चाहिए। रूलर एंड मेजरिंग टेप आर द कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेजर लेंथ। अब जैसे रूलर है और जो मेजरिंग टेप है, ये हमारा सबसे कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। व्हेन वी रिप्रेजेंट लेंथ वी से 8 सेंटीमीटर्स, 15 किलोमीटर एक्सेट्रा। अब जब भी हम लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो चीज़ 8 सेंटीमीटर की है या यहाँ से वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है, ठीक है। यू विल नोटिस दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेंथ हैज़ टू पार्ट्स, अ नंबर 18 और 15 फॉलोड बाय अ यूनिट। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा लेंथ है उसको भी हम दो पार्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एक होता है नंबर और उसके साथ उसकी यूनिट, जैसे कि 15 सेंटीमीटर या 15 किलोमीटर। अ यूनिट इज़ अ फिक्स्ड क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू विच अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ मेजर्ड। अब जो यूनिट जो होती है हमारी किसी भी चीज़ की, जिसको हम मेजर कर रहे हैं, वो हमारी फिक्स्ड क्वांटिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू दी फिज़िकल क्वांटिटी। यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटी चेंज हो सकती है, हो सकता है वो 15 से लेके 16 हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन जो उसकी यूनिट है वो हमेशा फिक्स रहेगी। नेक्स्ट आता है, अब जैसे कि हम इसके अंदर ये फिगर देख सकते हैं। अब इस फिगर के अंदर इन्होंने सबसे पहले क्या दिखाया है, हैंड स्पैन। हैंड स्पैन इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द टिप ऑफ द लिटल फिंगर ऑफ अ फुल्ली स्ट्रेच्ड हैंग। अब इन्होंने हैंड स्पैन से कैसे मेजर किया कि इन्होंने अपने हाथ को पूरी तरीके से स्ट्रेच करा, ओपन करा, और फिर उन्होंने थंब से लेके लिटल फिंगर तक उस चीज़ को मेजर किया, ठीक है। ऐसे ही बाकी अलग अलग दिए हुए हैं, वो आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, अ यूनिट इज़ यूज एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। अब जो यूनिट है हम उसको एक मेजरमेंट का स्टैंडर्ड की तरह यूज़ करते हैं, यानी कि वो एक हमारा स्टैंडर्ड यूनिट हो गई मेजरमेंट के लिए। इन अर्ली टाइम्स पीपल यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट सच एज हैंड्स, आर्म्स एंड फीट एज स्टैंडर्ड टू मेजर लेंथ। अब पहले के टाइम में क्या था, लोगों के पास मेजरमेंट के लिए यूनिट्स वगैरह नहीं बताती उन्हें ना उनको इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो वो अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते थे, जैसे कि अपने हैंड का, अपने आर्म का या अपने फीट का, उस किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर करने के लिए। दिस लेड टू द यूनिट सच एज हैंड स्पैन, क्यूबिट, यार्ड एंड फैथम टू मेजर द लेंथ। तो इससे हमारी कौन कौन सी यूनिट बनी, जैसे कि हैंड स्पैन जो हमने ऊपर अभी पढ़ा, क्यूबिट यानी कि जिसमें वो अपने आर्म्स के थ्रू कर रहा है, फैथम यानी कि वो कैसे अपने दोनों आर्म्स का यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, फुट स्पेस एंड यार्ड आर सम ऑफ द अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ बेस्ड ऑन द बॉडी पार्ट्स। अब हमारी बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड जो यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी है, फुट है, पेस है और यार्ड है। हाउएवर दीज यूनिट्स आर नॉट रिलायबल एज द लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब जैसे ये जो बॉडी पार्ट्स के थ्रू हम मेजर करते हैं, इस पे हम रिलाई नहीं रह सकते, यानी कि इसके ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का बॉडी पार्ट का जो साइज़ है वो अलग होता है। अगर कोई सपोज़ छोटा बच्चा है तो उसके हाथ का साइज़ अलग होगा, और कोई बड़ा है तो उसके हाथ का साइज़ अलग होगा, तो हम उस पर डिपेंड नहीं रह सकते मेजरमेंट की यूनिट के लिए। देयरफॉर पीपल रियलाइज द नीड फॉर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो उसके बाद लोगों को रियलाइज़ हुआ कि कितनी ज़रूरत है हमें एक पर्टिकुलर यूनिट लाने के लिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि जिसको हम सब फॉलो कर सकें और सबके लिए वो चीज़ सही हो।